आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप और मालदीप के बीच डिफरेंस की। ये सारी बहस तब शुरू हुई जब पीएम मोदी लक्षद्वीप दौरे पे गए और उन्होंने अपनी कुछ फोटो शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार मालदीप की जगह लक्षद्वीप जाने की बात सभी लोग करने लगे। भारत से मालदीप पहुंचना बहुत आसान है और कम वक्त में पहुंचा जा सकता है, वहीं लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। भारत से मालदीप जाने के लिए कई फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, तो अगर आप लक्षद्वीप से फ्लाइट से जाते हैं तो बहुत ही कम फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में हम मालदीप और लक्षद्वीप एक दूसरे से कितने अलग हैं इस बारे में जानेंगे। मालदीप भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीप की दूरी करीब 1000 किलोमीटर दूर है। ये 1200 द्वीपों का एक ग्रुप है। ज़्यादातर द्वीपों में कोई रहता नहीं है। मालदीप का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली से 5 गुना बड़ा है। वहीं मालदीप की आबादी की बात करें तो ये करीब 4 लाख है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी हुई है। मालदीप की राष्ट्रीय इनकम में 1/4 से ज़्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीप जाने में सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। बीते साल करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग मालदीप गए थे। वहीं 2022 में 2.5 लाख के करीब लोग भारतीय पर्यटक मालदीप गए थे। मालदीप मीडिया के अनुसार सबसे ज़्यादा पर्यटक भारतीय हैं जो कि मालदीप में आते हैं। मालदीप पर्यटक मंत्रालय के अनुसार मालदीप में 175 रिजॉर्ट, 14 होटल, 865 गेस्ट हाउस, 156 जहाज, 280 डाइव सेंटर्स, 763 ट्रैवल एजेंसी एंड 5 टूर गाइड्स भी हैं। मालदीव में घूमने की कई जगह भी हैं, जैसे कि सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिहाल होई आइलैंड, माले सिटी, माफुसी, आर्टिफिशियल बीच एंड मिमीगिली। और अगर आप मालदीव जाना चाहते हैं तो यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम जैन से लेके अप्रैल के बीच है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, मालदीव से 700 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है। ये इलाका 36 छोटे द्वीपों का समूह है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 64,000 की आबादी में 96% मुस्लिम आबादी यहाँ बसती है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि मालदीव लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं, कवारराटी, अगाटी, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, आंदो, बिट्रा, कल्पनी एंड मिनिकोय। बिट्रा में करीब 270 लोग रहते हैं और वहीं बंगाराम द्वीप में 61 लोग रहते हैं। यहाँ की कमाई का मेन जरिया मछली पकड़ना, नारियल की खेती और यहाँ का पर्यटक उद्योग भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में करीब 25,000 पर्यटक लक्षद्वीप गए थे। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए भी 14 से 18 घंटे में पहुंचा जा सकता है और यहां का किराया वक्त और इस बात पर निर्भर करता है आप किस द्वीप पर जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। लक्षद्वीप घूमने के लिए भी यहां कवारराटी आइलैंड, लाइट हाउस, मस्जिद, अगाटी कदमत, बंगारम, हिन्नाकारा जैसी जगहें मौजूद हैं। मालदीप की तरह लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत यानी कि वाइट सैंड के बीचेस हैं। लक्षद्वीप जाने का बेस्ट टाइम मई से सितंबर के बीच है। यहाँ का टेम्परेचर 22 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ दिसंबर से फरवरी के बीच भी पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन ध्यान रहे लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से परमिट लेना जरूरी होता है और यहाँ कई ऐसे बीचेस हैं जहाँ प्रतिबंध है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। लक्षद्वीप की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने लक्षद्वीप और मालदीप के बीच के डिफरेंस को जाना और साथ ही यहाँ जाने का बेस्ट टाइम और फेमस प्लेसेस के बारे में भी जाना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।